प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है बेटे आपका संस्कृत की कक्षा में। आज हम चैप्टर नंबर 17 सर्वत्र सम दर्शन है, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे जो गीता से लिया गया है। काफ़ी सारे श्लोक इसमें बहुत ही गंभीर अर्थों वाले भी रहे और ये श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे, छठे, बारहवें और 16वें अध्याय से कुछ श्लोक लिए गए हैं। प्रीवियस 3 वीडियो में हमने 1 से 7 श्लोक किए बेटे, आज हम श्लोक नंबर 8, 9 और 10 करते हैं। देखिए बेटे श्लोक नंबर 8 से, तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोह न अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण जी क्या उपदेश देते हैं इसमें, तेज है क्षमा धृति शोचम अद्रोह न अतिमानिता। तेज है यानी कि तेज, क्षमा यानी कि क्षमा करने का भाव होना, धृति धृति होता बेटे धैर्य, धैर्य रखने का भाव होना, धैर्य शक्ति का होना, शोचम शरीर की शुद्धि करना, अद्रोह अद्रोह होता किसी से वैर ना करना, न अति मान्यता और अधिक मान को न चाहना। देखो हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ है, ध्यान से देखना बेटे। तेज है तेज होना, क्षमा माफ करने की प्रवृत्ति का होना, धृति धैर्य रखना, शोचम शरीर की शुद्धि रखना, अद्रोह किसी से द्वेष न करना, वैर न रखना, न अतिमानिता और अधिक मान को न चाहना कि सभी मेरा सम्मान करें। भवंती होते हैं संपदम संपदा, दैवीम दैवी, अभिजातस्य लक्षण भारत, हे भरतवंशी अर्जुन। क्या कहते हैं इस दूसरी लाइन में कि हे भरतवंशी अर्जुन, संपदम दैवीम अभिजातस्य, ये दैवी संपदा को प्राप्त हुए अभिजातस्य मनुष्य के लक्षण होते हैं। यानी जो दैवी संपदा बेटे, दो संपदाएं होती है, नेक्स्ट में हम आसुरी संपदा को पढ़ेंगे। दैवी संपदा होती है अच्छे गुण वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, जिनमें तेज भी होता है, जो छोटी छोटी गलतियों को माफ भी करते चले जाते हैं, जो धैर्य रखते हैं, शरीर को शुद्ध रखते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, अधिक मान को नहीं चाहते, ये दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। और बता किसको रहे हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, कि हे भरतवंशी अर्जुन ये दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दोबारा से देखो बेटे, तेज क्षमा धैर्य शरीर की शुद्धि, किसी से द्वेष न करना, अधिक मान को न चाहना, हे भरतवंशी अर्जुन ये दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण होते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं बेटे, आसुरी संपदा वाले मनुष्य कौन होते हैं, जो मतलब आसुरों के समाज इनका व्यवहार होते हैं होता है वो कैसे होते हैं। दंभ दर्प है अभिमानश्च क्रोध है पारुष्यम एवच अज्ञानम च अभिजातश्च पार्थ संपदम आसुरीम। यहाँ बता रहे हैं बेटे, दंभ दंभ करना, दर्प घमंड करना, अभिमानश्च अभिमान करना, क्रोध है क्रोध करना, पारुष्यम पारुष होते बेटे कठोरता का व्यवहार करना, जो हर टाइम में गुस्से में रहते हैं, कठोर व्यवहार करते हैं, गुस्से में तो रहते हैं साथ में कठोर व्यवहार भी करते हैं, पारुष्यम एव और कठोरता का व्यवहार रखना, अज्ञानम च अज्ञानम और अज्ञानी भी होना, ये सारे गुण तो है ही, अवगुण सूर्य गुण नहीं अवगुण, लेकिन साथ में कैसा है मनुष्य अज्ञानी भी है। दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, गुस्सा करना, कठोरता का व्यवहार रखना और अज्ञानी भी होना। अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम, पार्थ हे पार्थ ये संपदम आसुरीम आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण होते हैं। आसुरी संपदा को अभिजातस्य प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं बेटे आसुरी संपदा वाले, दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, गुस्सा करना, कठोरता का व्यवहार रखना, अज्ञानी होना। इसलिए बताते हैं कि हे पार्थ ये आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण होते हैं। यानी हमें दंभ नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए, हर वक्त गुस्से में नहीं रहना चाहिए, हर वक्त कठोरता का व्यवहार भी अच्छा नहीं माना गया, और साथ में ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, अज्ञानी होना भी अच्छा नहीं माना गया है। क्योंकि अगर ये हमारे अंदर अवगुण है तो बेटे ये आसुरी संपदा वाले गुण हैं हमारे अंदर जो अच्छे नहीं माने गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए बेटे,
आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध प्रायणा इहंते काम बोघार्तम अन्यायेन अर्थ संशयान। आशा यानी कि वे क्या करते हैं, वे आशा की शतैर सैकड़ों पाश बंधनों में बद्धा बंधे हुए मनुष्य के समान क्या करते हैं, वो काम क्रोध प्रायणा काम और क्रोध की प्रायण होकर, यानी वे आशा की सैकड़ों बंधनों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध प्रायणा काम और क्रोध के प्रायण होकर। अब इहंते शब्द की हिंदी ना सबसे लास्ट में बनेगी। काम भोगार्थम यानी कि पदार्थों का भोग करने के लिए, काम भोगार्थम यानी कि पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायेन अन्यायपूर्वक अर्थ अर्थ यानी धन को संचयान यानी इकट्ठा करने की इहंते कोशिश करते रहते हैं। यानी जो आसुरी संपदा वाले मनुष्य है ना, उनके काम को यहाँ बताया कि वे करते क्या हैं, वे आशा के सैकड़ों बंधनों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के प्रायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा करने की इहंते यानी कि कोशिश करते हैं, चेष्टा करते रहते हैं। तो बेटे इसमें क्या बताया है कि जो आसुरी संपदा के मनुष्य हैं वे आशा के सैकड़ों बंधनों में बंधे रहते हैं, काम क्रोध के प्रायण रहते हैं, पदार्थों का भोग करते रहते हैं और अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा करने की चेष्टा करते रहते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो जैसे ऊपर वाले श्लोक में हमने आसुरी संपदा वाले मनुष्यों के लक्षण पढ़े थे बेटे, तो ऐसे मनुष्य गलत कार्यों की तरफ हमेशा अग्रसर रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और गलत कार्य करते रहते हैं। तो बेटे ये था हमारा चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम था सर्वत्र समदर्शन है, और इसमें 10 श्लोक थे हमारे जिसके हमने पार्ट डिवाइड करके हिंदी व्याख्या की है।